तो हो सकता है दोस्तों आपको भी इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट बनाना हो, जिसके अंदर अकाउंट बनाते वक्त आपसे इंस्टाग्राम मांगता हो यहाँ पे या तो फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी। पर दोस्तों आप लोग नहीं देना चाहते होंगे अपना फोन या ईमेल, बिकॉज हो सकता है आप अपने या तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करना चाहते हो इंस्टाग्राम के साथ, या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसे काम या कर्म कांड के लिए यूज़ करना चाहते हो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को, जहाँ पे आप सोचते हैं कि ईमेल आईडी देना सही नहीं है। और दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे कर्म कांड के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो भाई बिल्कुल सही जगह आप आए हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिना ओटीपी के आप व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं, और दोस्तों वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग किसी भी फोन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिना फोन नंबर या ईमेल के आप कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग इसको फेक अकाउंट भी कह सकते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ फेक ही है, क्योंकि आप उसको किसी और की ईमेल आईडी से या बिना फोन नंबर या ईमेल आईडी के बनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको कैसे आप लोग बना सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को विदाउट यूजिंग एनी फोन नंबर और ईमेल। दोस्तों पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बता देता हूँ, आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव मीडिया, मेरा नाम है अंकित, आपका दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंस्टाग्राम के अकाउंट को बनाने के लिए आपको फोन नंबर या ईमेल एड्रेस दोनों में से एक चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। दोस्तों फोन नंबर तो कतई ही नहीं देता कोई भी आदमी, और ईमेल एड्रेस भी आजकल लोग चाहते हैं कि ना ही दें, क्योंकि दोस्तों आप लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा स्लटी वर्क करना चाह रहे हो जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि आप अपना ईमेल आईडी ना दें। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ये करना चाह रहे हैं तो दोस्तों मैं आज आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा बड़े ही इजीली और फ्री में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं आपको कैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बना सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर, और दोस्तों एक एप्लीकेशन आपको डालनी है टेम्प मेल करके। दोस्तों एप्लीकेशन ओके है, आप उसको ओपन कर लीजिए, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे खुलते साथ आपके सर पे एक 650 रुपये का डीकरा फूट जाएगा। नहीं दोस्तों मैं आपके कोई पैसे नहीं लगने नहीं दूंगा, दोस्तों आप इसको आगे आगे बढ़ा दीजिए। और दोस्तों लास्ट में ऑप्शन आएगा नीचे प्रोसीड विद बेसिक वर्जन, तो दोस्तों आप लोग प्रोसीड विद बेसिक वर्जन पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों प्रोसीड विद बेसिक वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी ईमेल आईडी आ जाएगी। दोस्तों चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और नहीं करना चाहें तो ना ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सेम आईडी को आप यहां से कॉपी कर सकते हैं, और दोस्तों ईमेल आईडी जहां पे आपको डालनी है अकाउंट क्रिएशन पेज पे, यहां पे आप ईमेल आईडी को पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों पेस्ट करने के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहां पे ये कहेगा एंटर द कन्फर्मेशन कोड दैट वी हैव सेंट टू दिस। तो दोस्तों एक कन्फर्मेशन कोड आएगा अब आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, और दोस्तों ईमेल आईडी के ऊपर एक कन्फर्मेशन जो कोड है वो आपको वापस उसी एप्लीकेशन में जाके मिलेगा जहाँ पे हम ये कॉपी की थी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर एक नोटिफिकेशन आई जिसमें साफ साफ कन्फर्मेशन कोड लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे मैं इसको पढ़ूंगा तो आप लोग देख सकते हैं इस ईमेल के अंदर ये कन्फर्मेशन कोड हमें साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, आप चाहें तो उसमें इस मेल को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों वापस चलते हैं हम लोग अपने क्रोम ब्राउजर में जहाँ पे हमने instagram.com खोल रखा था, जहाँ पे हमें कन्फर्मेशन कोड मांग रहा है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड डाल देंगे। दोस्तों कन्फर्मेशन कोड डालने के बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन देगा आपको, और यहाँ पे आपको दोस्तों अपना फुल नेम और पासवर्ड डालना है। दोस्तों फुल नेम के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये डाल दिया, और दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स डाल दी हैं, अब ये मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ भी डाल दीजिए। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा जहाँ पे कहेगा फेसबुक से कनेक्ट कीजिए, नहीं तो यहाँ पे स्किप कर दीजिए। दोस्तों आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से टेम्प मेल में एक और मेल आ गई है, और दोस्तों यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि ऐड फोटो, आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए, चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप स्किप या ऐड फोटो करके अपना अकाउंट जो है पूरा फुली एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों है ना कमाल की चीज़, यहाँ पे अब आप अपना अकाउंट 100% यूज़ कर सकते हैं बिना ही कोई किसी दिक्कत के। दोस्तों बताइएगा आपको कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और दोस्तों कोई दिक्कत आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।